नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 मार्च दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने किया बिहार दिवस का उद्घाटन। बिहार बोर्ड 12वीं स्क्रूटनी के लिए इस दिन से शुरू होंगे आवेदन। मरीजों को मिलने वाली निःशुल्क दवाओं की निगरानी करेगी विशेष टीम। अब इस तारीख तक आधार कार्ड से कराए वोटर आईडी लिंक। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 5000 पदों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रेंटिस के 5000 पदों के लिए भर्ती रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बता दें कि इन 5000 पदों में से बिहार के लिए 526 पद निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.com.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 अप्रैल 2023 तक निर्धारित की गई है। सीएम नीतीश ने किया बिहार दिवस का उद्घाटन। बिहार 111 साल का हो चुका है और इसी खुशी में बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी करवाया गया है। बता दें कि बीते दिन त्रिदिवसीय बिहार दिवस समारोह का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस दौरान उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बता दें कि इस बार के बिहार दिवस का थीम युवा शक्ति बिहार की प्रगति रखा गया है। मालूम हो कि बिहार दिवस के पहले दिन यानी कि 22 मार्च को गांधी मैदान में जाने माने गायक अली के द्वारा अपने सुरों की प्रस्तुति की गई। वहीं अगर आज बात करें तो आज बिहार दिवस के दूसरे दिन मैथिली ठाकुर और तलत अजीज के द्वारा अपने कार्यक्रम की पेशकश की जाएगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध सांसद, शिक्षाविद, अधिवक्ता तथा पत्रकार थे। वे भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सबसे प्रमुख है। सन 1910 के चुनाव में 4 महाराजाओं को परास्त कर वे केंद्रीय विधान परिषद व प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे। वह प्रथम भारतीय थे जिन्हें एक प्रांत का राज्यपाल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनने का श्रेय प्राप्त हुआ। प्रीवी काउंसिल के सदस्य भी थे। बिहार अलग राज्य के पक्ष में जनमत तैयार करने या कहे माहौल बनाने के उद्देश्य से 1894 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ द बिहार टाइम्स अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया, जिसके बाद उनके बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद 2 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सरकार ने बिहार और उड़ीसा के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर इन काउंसिल की घोषणा कर दी। यह डॉक्टर सिन्हा और उनके समर्थकों की बड़ी जीत थी। डॉक्टर सिन्हा का बिहार के नवजागरण में वही स्थान माना जाता है जो बंगाल नवजागरण में राजा राम मोहन राय का। उन्होंने न केवल बिहार में पत्रकारिता की शुरुआत की बल्कि सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक विकास के अग्रदूत भी बने। अब इस तारीख तक आधार कार्ड से कराएं वोटर आईडी लिंक। सरकार की ओर से आधार कार्ड धारकों को एक बड़ी राहत दे दी गई है। बता दें कि अब आधार कार्ड धारक अपने वोटर आईडी कार्ड को 31 मार्च 2024 तक अपने आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले इस काम को पूरा करने का समय 1 अप्रैल 2023 तक का निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इस समय को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक करा दिया गया है। बता दें कि इस बात की जानकारी बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन में शेयर करके दी गई है। हालांकि सरकार के द्वारा यह भी कहना है कि यह काम पूरा करना लोगों के लिए अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक है। बिहार बोर्ड 12वीं स्क्रूटनी के लिए इस दिन से शुरू होंगे आवेदन। 21 मार्च को बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में अगर किसी छात्र को नंबर देखने के बाद ऐसा लगता है कि उन्हें पेपर हल करने के अनुसार नंबर नहीं मिले हैं तो ऐसे विद्यार्थी स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बोर्ड 12वीं के स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करने की शुरुआत आज से यानी कि 23 मार्च से हो रही है जो कि 29 मार्च 2023 तक चलने वाली है। मालूम हो कि स्क्रूटनी के लिए स्टूडेंट्स केवल ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यह काम करने के लिए स्टूडेंट्स को बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाना होगा। जाति गणना के दूसरे चरण में इन बिंदुओं पर भरा जाएगा फॉर्म। जाति गणना के दूसरे चरण में लोगों के द्वारा 17 बिंदुओं पर फॉर्म भरे जाएंगे जिनमें परिवार के सदस्य का पूरा नाम, पिता पति का नाम, परिवार के प्रधान संबंध, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप, आवासीय स्थिति, अस्थायी प्रवासीय स्थिति, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोटरयान, कृषि भूमि, आवासीय भूमि और सभी स्रोतों से मासिक आय की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही जातीय गणना के दूसरे चरण में इस बात की जानकारी भी निकल कर सामने आ जाएगी कि राज्य के बाहर विदेश में या दूसरे राज्यों में पढ़ाई करने वाले और रोजगार की
तलाश में बाहर में रहकर काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है और बाहर पढ़ाई करने के मद में यहाँ के लोगों की कितनी राशि खर्च होती है। बिहार की राजधानी के 21 घाटों पर चैती छठ को लेकर लगी रोक। 25 मार्च से नहाए खाए के साथ चैती छठ की शुरुआत हो रही है। ऐसे में प्रशासन की ओर से बिहार की राजधानी पटना में स्थित वैसे घाटों पर रोक लगा दी गई है जिनकी गिनती खतरनाक घाटों में की जाती है। बता दें कि प्रशासन के द्वारा पूरे 21 खतरनाक घाटों की सूची जारी की गई है जिनमें एलसीटी घाट, पहलवान घाट, राजापुर पुल घाट, मिश्री घाट, गुलाबी घाट, बीएन राय घाट, रोशन घाट, पथरी घाट, कोयला घाट, घसियारी घाट, अदालत घाट, लोहरवा घाट, हनुमान घाट, गोसाई घाट, राजा घाट, बरहरवा घाट, करनालगंज घाट, सोनार घाट, दिघा पोस्ट ऑफिस घाट, बिंद टोली घाट, दिघा और जहाज घाट के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही नगर निकायों के द्वारा उन घाटों पर साफ सफाई और प्रकाश की भी उत्तम व्यवस्था की जा रही है जो लोगों के लिए सुरक्षित है। संजय के न मिलने पर शेखर सुमन ने की सीबीआई जांच की मांग। बॉलीवुड के जाने माने हस्ती शेखर सुमन द्वारा राजधानी पटना के एनएमसीएच के लापता डॉक्टर संजय कुमार के बरामदगी को लेकर सीबीआई जांच करने की मांग की गई है। दरअसल यह बात तब सामने आई जब फिल्म स्टार शेखर सुमन पटना पहुंचने पर एक मीडिया चैनल से बात कर रहे थे। हालांकि उन्होंने पुलिस की जांच पर सीधे सवाल तो नहीं उठाए हैं लेकिन इस मामले पर निशाना साधते हुए उन्होंने 22 दिनों का हवाला जरूर दिया है। मालूम हो कि डॉक्टर संजय कुमार शेखर सुमन के रिश्ते में बहनोई लगते हैं। पता तो चले कि शेखर सुमन द्वारा कहा गया है कि 22 दिन हो गए हैं लेकिन अब तक डॉक्टर संजय कुमार का कुछ भी पता नहीं चला है और वे लापता है। पुलिस को भी अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे श्री बाबा हरिराम ब्रह्म मंदिर के बारे में। श्री बाबा हरिराम ब्रह्म मंदिर सिवान जिले का एक मुख्य धार्मिक स्थल है। यह सिवान जिले में घूमने लायक जगह है। इस मंदिर को मैड़वा धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यह मंदिर बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह मंदिर सिवान जिले के मैड़वा में स्थित है। यह मंदिर बहुत ही अच्छी तरह से बना हुआ है। मैड़वा धाम हरि बाबा ब्रह्म को समर्पित है। वह एक संत थे और इनके बहुत सारे अनुयायी है। इस मंदिर में आपको एक बहुत बड़े शिवलिंग के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको और भी प्राचीन मूर्तियां देखने के लिए मिल जाती है। मंदिर में आपको एक छोटी सी झील भी देखने के लिए मिलती है जो बहुत सुंदर है। यह मंदिर मैड़वा में जाड़ाही नदी के किनारे बना हुआ है। आप यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में इस दिन से शुरू होगा नामांकन। अगर आप भी अपने बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा पहले क्लास में नामांकन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार पहले क्लास में एडमिशन लेने के लिए 27 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है जो कि 17 अप्रैल तक जारी रहेगी। ऐसे में वे लोग जो अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं वे 27 मार्च से 17 अप्रैल के बीच केंद्रीय विद्यालय संगठन के आधिकारिक वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाकर आवेदन करवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से नामांकन की पहले लिस्ट 20 अप्रैल को जारी की जाएगी। वहीं नामांकन की प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। संगठन की ओर से दूसरी लिस्ट 28 अप्रैल को और जगह खाली रहने की स्थिति में तीसरी लिस्ट 4 मई को जारी की जा सकती है। रामनवमी को लेकर महावीर मंदिर से श्रीराम रथ रवाना। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में स्थित महावीर मंदिर से रामनवमी को लेकर आचार्य किशोर कुना श्री रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति के संयोजक नितिन नवीन, अध्यक्ष जगजीवन सिंह बबलू के साथ समिति के अन्य सदस्यों के द्वारा झंडा दिखाकर श्रीराम रथ को रवाना कर दिया गया। हालांकि इससे पहले आचार्य किशोर कुना, विधायक नितिन नवीन तथा अध्यक्ष जगजीवन सिंह बबलू के द्वारा विधिवत पूजन एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नारियल फोड़कर श्रीराम के जय घोष के नारे भी लगाए गए। बता दें कि ये राम रथ राजधानी पटना के विभिन्न चौक चौराहों तथा में घूम घूम कर आगामी 30 मार्च को रामनवमी के अवसर पर अलग अलग स्थानों से निकलने वाली मनमोहक झांकियों के साथ डाकबंगला चौराहे पर मुख्य आयोजन स्थल पर आने का आह्वान करेगा। राज्य में 63 स्थानों पर बनाए जाएंगे नए आरओबी। बिहार के मंत्री आलोक मेहता के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के 63 स्थानों पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड और बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एमओयू कर नए आरओबी का निर्माण करवाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 2023-24 में किन नई परियोजनाओं पर काम किया जाना है जिनमें 3100 करोड़ रुपए की लागत से जेपी गंगा पथ से दिघा से शेरपुर तक 11.50 किलोमीटर लंबा 6 लेन, 500 करोड़ रुपए की लागत से दिघा से एएन सिन्हा तक के रास्ते में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एवं सौंदर्यीकरण, 862 करोड़ रुपए की लागत से करोटा तिलमर पथ के मार्ग में नूरसराय से सलाव तक 25.60 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीन फील्ड योजना, 1600
करोड़ रुपए की लागत से राघोपुर दियारा क्षेत्र में बाढ़ से बचाने और क्षेत्र के आंतरिक सड़क निर्माण और 415 करोड़ रुपए की लागत से कोशी नदी पर डेंगराही घाट पुल का निर्माण शामिल है। मालूम हो कि सभी बातें मंत्री आलोक मेहता के द्वारा बिहार विधान परिषद में विभागीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए किया गया। पुलिस ने जब्त किया एक ट्रक शराब। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य में अवैध शराब का कारोबार थम नहीं रहा है। ऐसे में राज्य में प्रतिदिन किसी न किसी स्थान पर शराब की खेप बरामद की जा रही है। बता दें कि ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर औराई थाना क्षेत्र के बेनीपुर गाँव में गाड़ियों पर से करीब 500 पेटी अवैध शराब बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। बता दें कि इसके साथ ही पुलिस के द्वारा एक कंटेनर और एक पिकअप वैन को भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा शराब माफिया की जानकारी जुटाने के लिए चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इस बात की जानकारी औराई थानेदार स्वरूप कुमार के द्वारा दी गई है। मरीजों को मिलने वाली निशुल्क दवाओं की निगरानी करेगी विशेष टीम। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में उपचार कराने आने वाले मरीजों को अनिवार्य तौर पर निशुल्क दवा मिल सके, इसके लिए निशुल्क दवाओं की और भी सख्ती से निगरानी रखी जाएगी। बता दें कि इन दवाओं की निगरानी करने के लिए राज्य के जिलों में एक विशेष टीम की भी गठन की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में पहले 387 तरह की दवाएं मरीजों को निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती थी, जिसमें अब 224 दवाओं को और भी शामिल कर दिया गया है, जिसके बाद अब राज्य के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को कुल 611 तरह की दवाएं निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। आरबीआई का आदेश, 31 मार्च तक रविवार को भी खुलेंगे बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति को होते देख पत्र लिख सभी बैंकों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि वे सभी अपनी शाखाओं को 31 मार्च तक रविवार को भी खोले रखेंगे और इस दौरान ही 2022-23 के लिए बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेन देन का काम करेंगे। बता दें कि आरबीआई के द्वारा जारी किए गए पत्र में साफ कहा गया है कि सभी एजेंसी बैंकों को सरकारी लेन देन से संबंधित ओवर द काउंटर लेन देन के लिए 31 मार्च 2023 को सामान्य कामकाजी घंटों तक अपनी नामित शाखाओं को खुला रखना चाहिए। नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर यानी कि NEFT और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि RTGS सिस्टम के माध्यम से लेन देन 31 मार्च 2023 की रात 12 बजे तक जारी रहेगा। साथ ही 31 मार्च को सरकारी चेकों के संग्रह के लिए विशेष संशोधन आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए RBI का भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग आवश्यक निर्देश जारी कर करेगा। बिहार के ट्रेजरी पर गठित टीम रखेगी निगरानी। बिहार के ट्रेजरी से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जालसाजी कर निकासी की कोशिश न की जाए और ट्रेजरी पर विशेष निगरानी रखी जाए, इसको लेकर निगरानी विभाग की टीम की ओर से राज्य मुख्यालय के अलावे सभी कमिश्नरों में एक 3 सदस्यीय निगरानी टीम का गठन किया गया है। बता दें कि इसको लेकर निगरानी विभाग के OSG के द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र भेज जानकारी दे दी गई है कि 23 मार्च यानी कि आज से लेकर 31 मार्च तक राज्य के ट्रेजरी से होने वाली सभी बड़ी निकासी पर निगरानी रखने और अवैध निकासी पर अंकुश लगाने के लिए प्रमंडल स्तर पर 3 सदस्यीय निगरानी दल का गठन किया गया है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी निगरानी ब्यूरो के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के ADM और एक कार्यपालक अभियंता स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा एक सुपर इंस्पेक्शन टीम और एक निरीक्षण दल का भी गठन किया गया है। बारिश के बाद गर्मी के आसार। बिहार में मौसम का मिजाज अब बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में अब लोगों को बारिश से राहत मिलने वाली है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि अब लोगों को बारिश से राहत मिलेगी और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाला है। पिछले दिनों जिस तरह से आंधी पानी हुई है, उससे किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। प्रदेश के कई जिलों में फसलें बर्बाद हुई हैं। हालांकि अब मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में बारिश न के बराबर होगी। ऐसे में अब तेज धूप खिलने की बात कही जा रही है कि बता दें कि मार्च के शुरुआती महीने में जिस तरह की गर्मी देखने को मिली थी, अब एक बार फिर से उसी तरह के गर्मी के आसार हैं। राज्य के लोगों को आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाला है। 7,830 पैक्सों में सेवा नियमावली लागू। बिहार के 7,830 पैक्सों में प्रबंध समिति की मुहर के बाद कर्मियों की सेवा नियमावली लागू हो गई है। वहीं 633 पैक्स ऐसे हैं जहां इस नियमावली को लागू नहीं किया जा सका, जिसकी वजह विवाद या प्रबंध समिति भंग रहने से बैठक न हो पाने के कारण हुई। हालांकि इन 633 पैक्स में नियमावली लागू करने को लेकर सहकारिता विभाग का कहना है कि विवाद खत्म हो जाने के बाद इन स्थानों पर भी सेवा नियमावली लागू कर दी जाएगी। बता दें कि इस नए नियमावली के लागू हो जाने के बाद अब आगे से कर्मियों की नियुक्ति या सेवा संबंधित विवाद इसी नियमावली के अनुसार हल किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2008 में स्वायत्तता मिलने के बाद पहली बार बिहार में पैक्स कर्मियों की सेवा नियमावली लागू की गई है, जिसमें पैक्स कर्मियों की संख्या, पात्रता एवं नियुक्ति प्रक्रिया शामिल है।
जेडीयू की राष्ट्रीय टीम में केसी त्यागी के न होने पर पार्टी ने दी सफाई। मंगलवार को जेडीयू के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अपने नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई थी, जिसमें केसी त्यागी के नाम को शामिल नहीं किया गया था, जिस वजह से राजनीतिक गलियारे में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। वहीं केसी त्यागी के द्वारा खुद भी इस मुद्दे पर कहा गया था कि उनकी मर्जी से ही उन्हें पद मुक्त किया गया है, लेकिन अब जेडीयू के द्वारा भी बीते दिन इस मुद्दे पर अपनी सफाई दी गई। जेडीयू महासचिव अफाक अहमद खान के द्वारा सफाई देते हुए कहा गया कि पिछली आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक 10 दिसंबर 2022 के बाद केसी त्यागी जी ने हमारे सर्वोच्च नेता एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सांगठनिक दायित्व से मुक्त करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद उनके बार बार अनुरोध किए जाने के कारण पार्टी के द्वारा उन्हें सांगठनिक जिम्मेदारी से मुक्त करने पर सहमति जताई गई। उन्होंने कहा कि केसी त्यागी हमारे सर्वोच्च नेता सीएम नीतीश कुमार के साथ पार्टी के मजबूत स्तंभ बने रहेंगे। बीजेपी ने तेजस्वी के बयान का किया पलटवार, कहा बीजेपी किसी से नहीं डरती। मंगलवार को भाजपा बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान सदन से वॉकआउट कर गई। भाजपा के इस तरह से वॉकआउट करने के कारण डिप्टी सीएम द्वारा कहा गया था कि भाजपा के सदस्य हम लोगों से डरते हैं। बीजेपी के विधान पार्षद संजय मयूख द्वारा तेजस्वी के इस तरह के बयान पर पलटवार किया गया है। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी के सदस्य किसी से भी नहीं डरते। सदन में जनता की समस्याओं को बीजेपी के सदस्यों द्वारा प्रमुखता से उठाए जाते हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब वर्तमान सरकार देने से डर रही है। इन्हीं वजह से सदन के अंदर हंगामे देखने को मिलते हैं, फिर उसके बाद विपक्षी सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। पश्चिम बंगाल के चंद्रनगर में 1357 में लॉर्ड क्लाइव ने फ्रांसीसियों को हराकर कब्जा किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महिलाओं की पहली कंपनी को 1986 में प्रशिक्षित किया गया। दक्षिण अफ्रीका में वार्डर्स में 2003 में हुए विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 125 रनों से हराकर विश्व कप पर कब्जा बरकरार रखा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 2012 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतकों का कीर्तिमान बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने। महान स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रख्यात समाजवादी नेता मनोहर लोहिया का 1910 में आज ही के दिन जन्म हुआ। भारतीय महिला व्यवसायी किरण मजूमदार सौ का 1953 में जन्म हुआ। पूर्व टेलीविजन अभिनेत्री भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठित महिला स्मृति ईरानी का 1976 में जन्म हुआ। हिंदी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत का 1987 में जन्म हुआ। आज के दिन को शहीद दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बड़ौदा में आज हम बात करेंगे पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वीके हिंदी वर्ल्ड नामक एक यूट्यूब चैनल का एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन और उनके बैंक खाते में 9,000 रुपए मिल रहे हैं। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। जाने YouTube पर भी इनकॉग्निटो टैब का क्या होता है महत्व। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बात की जानकारी किसी को ना मिले कि आपने YouTube पर क्या देखा है, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि YouTube पर भी एक इनकॉग्निटो टैब होता है, जिस पर अगर आप किसी वीडियो को देखते हैं तो वीडियो की हिस्ट्री सेव नहीं होती और यह सबसे सीक्रेट रहती है। लेकिन इसके लिए आपको अपने डिवाइस में इनकॉग्निटो टैब ऑन करना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले अपने डिवाइस YouTube ओपन करें। इसके बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई दे रहे तीन डॉट्स पर क्लिक करें। आपको यहां पर अकाउंट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। अकाउंट सेक्शन में आपको एक टर्न ऑन इनकॉग्निटो का ऑप्शन दिखाई देगा। इनकॉग्निटो मोड ऑन करने के लिए आपको इस टॉगल ऑन कर देना है। जैसे कि आप इनकॉग्निटो मोड ऑन कर देंगे, आप एक अलग यूट्यूब ऐप पर पहुंच जाएंगे जो कि इनकॉग्निटो मोड में होगा। पटना हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री को दी राहत। बीते दिन पटना हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार के द्वारा बिहार के तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय को विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई की गई। बता दें कोर्ट के द्वारा मंत्री नित्यानंद रॉय के विरुद्ध अदालती कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाते हुए बड़ी राहत दी है। दरअसल मंत्री नित्यानंद रॉय के विरुद्ध 9 मार्च 2018 को अपने भाषण में सामुदायिक विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा मंत्री नित्यानंद रॉय के विरुद्ध पुलिस को समन जारी करने का निर्देश दिया गया था। वहीं कोर्ट में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नरेश दीक्षित के द्वारा बताया गया था कि मंत्री नित्यानंद रॉय के द्वारा अपने भाषण में किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का काम नहीं किया गया है। बता दें कि अब इस मामले पर कोर्ट के द्वारा अगली सुनवाई जुलाई 2023 में की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की। बीते दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने 21 रन से अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही कंगारू टीम ने सीरीज भी 2-1 से अपने नाम की। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 270 रन का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में टीम इंडिया 248 रन पर सिमट गई और मुकाबला गंवा दिया। भारतीय टीम 4 साल बाद अपने घर में कोई वनडे सीरीज हारी है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए
169 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने अच्छी शुरुआत की थी और विराट कोहली के अर्धशतक के चलते मैच जीतने के करीब पहुंचा था, लेकिन अंत में भारत ने लगातार विकेट गंवाए और पूरी टीम 248 रन पर सिमट गई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है एचके मल्होत्रा, सुधीर कुमार, शंकर मुखिया, उमेश ऋषिदेव, स्वर्णेश्वर कुमार, अतीक खान, लक्ष्मी ठाकुर, पवन सिंह, मोहम्मद सकीर हुसैन, उदय कुमार पासवान, आरब पटेल, अनवर करीम खान, सदुल्लाह पलवी, अभिषेक राज। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार की वो कौन सी खास चीज है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।